हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो पॉप 7 प्रो फ़ोन है, तो टेक्नो पॉप 7 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं टेक्नो पॉप 7 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन में रिफ्रेश रेट वगैरह को आप चेंज करके बदल सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कैसे करें टेक्नो पॉप 7 प्रो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में रिफ़्रेश रेट है, तो रिफ़्रेश रेट वगैरह को आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना रिफ़्रेश रेट। तो रिफ़्रेश रेट सेटिंग्स आ जाएगी, जिसमें से आपको शो रिफ़्रेश रेट को ओपन करना है, जहाँ से रिफ़्रेश रेट को आप डिस्प्ले पे भी शो कर सकते हैं। सिंपली ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन डिस्प्ले कॉर्नर पे रिफ़्रेश रेट शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है। तो सिंपली ऑफ़ कर देंगे तो रिफ़्रेश रेट आपके डिस्प्ले पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी आप रिफ़्रेश रेट को शो कर सकते हैं डिस्प्ले पे, और जैसे आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको रिफ़्रेश रेट चेंज करना है तो आपको डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाना होगा। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर अगर आपके डिस्प्ले पे रिफ़्रेश रेट सेटिंग शो हो रही है, तो आप रिफ़्रेश रेट को डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चेक कर लेते हैं, पर यहाँ पर कोई भी रिफ़्रेश रेट शो नहीं हो रहा है, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आपके पास और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। या जैसे आप लॉक स्क्रीन सेटिंग सेट करना चाहें कर सकते हैं, ऑटो रोटेट को ऑन करके स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके रिफ़्रेश रेट शो नहीं हो रहा है डिस्प्ले पे, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पर आप रिफ़्रेश रेट को चेक कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।